हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पलक नोट्स। आज का वीडियो है कि क्या बच्चों को हमें मारना चाहिए, अगर बच्चों को नहीं मारना चाहिए तो उनको डिसिप्लिन कैसे सिखाना चाहिए, रिसर्च क्या कहती है, मेरी टाइम टेस्टेड टेक्निक्स क्या है। मैंने इस बारे में तब सोचा जब मेरे घर पे एक जर्मन फैमिली डिनर पे आई। हम लोगों ने डिनर से पहले पूछा क्या खाओगे, इंडियन फूड, जर्मन्स लव इंडियन फूड। उनका जो बेटा था 7 साल का, उसको इंडियन फूड का टेस्ट समझ में नहीं आया। उसने थोड़ी सी बाइट ली और बाइट लेने के बाद उसने खाना छोड़ दिया और उसके बाद वो डाइनिंग टेबल से उठ के जाने लगा। तो उसके डैड ने कहा दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग टुनाइट। क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है, जो माँ बाप होते हैं, उनको हर तरीके का काम करना है, घर खुद साफ करना है, गाड़ी खुद साफ करनी है, कोई छोटा मोटा रिपेयर है, इंसान हर चीज़ अपने हाथ से करता है। तो उन लोगों को ये देखना पड़ता है वो टाइम कैसे सेव करें। तो उस लड़के के डैड ने बहुत पोलाइटली जब बोला दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग टुनाइट, तो कैसे करके उसने करी नहीं खाई, बट समहाउ ही मैनेज्ड, थोड़ी दही ले ली, थोड़ी सैलड ले ली, सूखी रोटी खा ली, चावल खा लिए, बट ही ओबेड हिज डैड। मैं सोच में पड़ गई कि यार बिना किसी फोर्स के, बिना आवाज ऊंची किए इतना कहना मानना, ये हाउ इज इट पॉसिबल। जैसे डिनर खत्म हुआ मैंने फ्रेंड से पूछा यार आपने अपने बच्चों पे कभी चिल्लाए हैं, नहीं जरूरत ही नहीं पड़ी है। मैं इस सोच में पड़ गई कि कैसे हमने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना है कि वो हमारी बात माने विदाउट स्पैंकिंग एंड बिना चिल्लाए। तो मैंने बुक्स एंड रिसर्च पेपर्स भी ऑर्डर किए ताकि मैं देखूं कि न्यू साइंस क्या कहती है। ध्यान से सुनो, मैं आपके सामने 5 से 6 रिसर्च पेपर्स लाने लगी हूं ताकि आप फुली कन्विंस्ड हो जाओ कि स्पैंकिंग व्हाट डज इट डू टू द किड, थप्पड़ मारने से बच्चे को क्या होता है। नंबर 1 रिसर्च पेपर ये कहता था कि जो बच्चों को बचपन में मार पड़ती है वो बड़े होकर मोर एग्रेसिव किड्स में चेंज होते हैं। द सेकेंड स्टडी वॉज अ मेटा एनालिसिस स्टडी विच वॉज पब्लिश इन 2016 फ्रॉम डॉक्टर गैरसॉफ, और उन्होंने 50 साल तक 160,000 किड्स को ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि जिन बच्चों को ज़्यादा मार पड़ती है उनको बाद में ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा ने 2017 में एक स्टडी पब्लिश की जिसमें उन्होंने 5,500 किड्स को स्टडी किया एंड उस स्टडी के हिसाब से जो बच्चों को जब वो 2 से 3 साल के थे उनको मार पड़ी, वो स्कूल के अंदर वोकैबुलरी, मैथ्स एंड उनकी लिटरेसी स्किल्स दूसरे बच्चों से कम थे। जो लास्ट स्टडी मैं आपके सामने दिखाना चाहती हूँ वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने की। उन्होंने बच्चों के MRI स्कैन्स लिए ब्रेन के, उनके सामने इमेजेस डाली। इमेजेस का मतलब कि एक ऐसा इमेज डाला जिसमें एक आदमी सैड है, एक आदमी न्यूट्रल है। उन्होंने देखा कि जो बच्चों को मार पड़ी है वो न्यूट्रल एक्सप्रेशन पे भी उनका ब्रेन नेगेटिवली इफेक्ट करता है। मतलब जब एक इंसान का न्यूट्रल मूड है, जब वो बड़े हो जाएंगे, उनके सामने एक इंसान आया, दे गना थिंक मोर नेगेटिव। दैट्स व्हाट दे सॉ इन द MRI स्कैन्स एंड व्हाट दे सॉ इज कि ऐसे बच्चों को मेंटल नहीं फिजिकल हेल्थ में भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसको मैं रिलेट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रेन हेल्थ है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है आपकी फिजिकल हेल्थ, राइट? सो आई नो नाउ योर मॉम गिल्ट इज ऑन कि यार मैंने तो मारा है, इट्स ओके। अभी भी बच्चा 7, 8, 9 साल का है, यू कैन स्टिल लर्न, उसके लिए मैं हूँ। आई नो दैट मॉम गिल्ट इज राइट नाउ ऑन, आपकी गलती नहीं है, इट्स टोटली फाइन। गाइज, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों हम इंडिया को भी फॉरेन कंट्रीज़ की तरह ऐसी कंट्री ना बनाएं जहाँ पे बच्चों को मारनी पड़ती है। अक्सर आपने वो जोक सुना हुआ है जब हिंदुस्तानी पेरेंट्स बोलते हैं तू इंडियन एयरपोर्ट पे चल, वहीं पे उठ के कुटूंगी तुझे, पंजाबी में बोलते हैं। बट नाउ आई नो, यस, वी स्पैंक किड्स इन इंडिया एंड हियर फॉरेनर्स डू नॉट स्पैंक देयर किड्स, वो चिल्लाते तक नहीं है। अब इस चीज़ पे बात आती है कि बिना थप्पड़ मारे, बिना आवाज़ ऊंची किए आपने बच्चे को कंट्रोल कैसे करना है। पहली चीज़, अपने बच्चे के दिमाग के अंदर घुसना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा बाहर से कोई भी एक्सप्रेशन दिखा रहा है, कोई टैंट्रम दिखा रहा है, या कोई चीज़ तोड़ रहा है, या कोई दीवार पे पेंट कर रहा है, या अपनी बुक्स फाड़ रहा है, मे बी दैट किड नीड अटेंशन, मे बी हंग्री, मे बी ही लर्न द सेम बिहेवियर फ्रॉम द फ्रेंड्स। सो फॉर द टाइम बीइंग, जब भी बच्चा ऐसा कुछ करता है, सबसे पहले अटेंशन तो हमें देनी पड़ेगी। दूसरे पॉइंट पे हमें ये समझना है कि हम क्यों मारते हैं बच्चों को। हम तब मारते हैं जब हमें लगता है कि बच्चों का बिहेवियर हमारे कंट्रोल के बाहर से जा रहा है, तो हम लोग एक शॉर्टकट ले लेते हैं उनको फिजिकल पेन देने का। बच्चा उस पेन में इतना डूब जाता है कि उसको ये नहीं पता है कि उसने क्यों मार पड़ी है। ठीक है, लेट्स से एक बच्चे ने किताब फाड़ दी, हमने थप्पड़ लगा दिया,
नेक्स्ट टाइम वो किताब नहीं फाड़ेगा क्योंकि फिजिकल पेन से एसोसिएट हो गया। बट एक बच्चा ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो ही क्यों रहा है, उस टाइम बच्चे की मेंटल स्टेट क्या है? एंड गाइस, पेरेंटिंग कब से शॉर्टकट होने लग गया? तो इसका मतलब हमें एज अ पेरेंट किसी चीज का शॉर्टकट चाहिए, तो वो हमने बच्चे पे अप्लाई कर दिया। सो हाउ डिड इट हेल्प? उस पर्टिकुलर एक्टिविटी, उस पर्टिकुलर शरारत को मे बी वो नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा। मतलब 10,000 शरारतें जो बच्चा कर सकता है, इसका मतलब 10,000 बार मारेंगे। व्हाट हेल्प मी वाज टाइम आउट टेक्निक। टाइम आउट बहुत ही क्यूट चीज है। एक बार सोफी ने मुझे कहा, मम्मा ये मत करो नहीं तो मैं आपको थप्पड़ मारूंगी। इतना क्यूट लगा, मुझे हंसी भी आई, बट मुझे लगा यार सोफी ने तो ये मुझसे सिखाई, तो मेरी भाषा में बोलती है सोफी स्टॉप थप्पड़ मारूंगी। सो आई हैव टू रिप्लेस इट विद बेटर वर्ड्स। देन वी स्टार्टेड यूजिंग द वर्ड कॉल्ड टाइम आउट टेक्निक एंड सोफी भूल गई। न्यूरल कनेक्शंस बनते रहते हैं, नई आदतों की पुरानी आदतें भूलती रहती हैं। अब टाइम आउट टेक्निक में क्या होता है, लेट्स से शी इज जंपिंग ऑन सोफा। First of all, I as a parent would never allow her jump on the sofa. For example, अगर मैंने allow कर दिया है, मैं पूरी life के लिए allow कर दूंगी। अगर मैंने नहीं allow किया है तो मैं नहीं allow करूंगी। तो let's say I do not allow her to jump on the sofa. Let's say she's still jumping out. तो उसको warn करने के लिए I can use a better technique. I can use better words like, Sophie, you're gonna get a timeout. Timeout का मतलब बच्चा अपने कमरे में चले जा and कितने मिनट के लिए उसको अकेले भेजना है, उसकी एज। अगर 2 साल का है 2 मिनट के लिए, 3 साल का है 3 मिनट के लिए। सो सोफी के केस में 5 मिनट शी हैज टू टाइम आउट, बट इट्स अ गुड वार्निंग। द नेक्स्ट वॉज कंसिस्टेंसी, विच इज द बिगेस्ट पेरेंटिंग लर्निंग फॉर माई सेल्फ। कंसिस्टेंसी का मतलब है, लेट्स से मुझे सोफी को ये सिखाना है कि अगर मेरा फोन बजेगा, शी हैज टू एक्सेप्ट कुछ मिनट तक बात करूंगी, उसके बाद आई गेट बैक टू हर। नाउ व्हाट हैपन इज, जैसे ही मेरा फोन बजा पहली बार, आई नो वंडर वुमन हंस रही है बिकॉज मैं उन्हीं से बात कर रही थी, एंड सोफी स्टार्टेड शोइंग टैंट्रम्स। उन्होंने कहा, अरे अरे आप बच्चे को देख लो। मैंने कहा, नहीं, बच्चे को सीखना पड़ेगा। आई नो हम एज अ पेरेंट्स, एज अ माइंड डरती हैं कि हमें कोई जज ना करे कि अरे बच्चे को रोने दे दिए, बट इट्स ओके। शी हैज टू लर्न कि अगर मैं फोन पे बात कर रही हूँ, मैं एज अ माँ कोशिश करूंगी मैं 5 मिनट से ज्यादा बात ना करूँ, बट शी हैज टू लर्न। सो इवन इफ शी इज शोइंग टैंट्रम्स, मैं ये नहीं बोलूंगी यार इट्स ओके फोन रखो मैं सोफी के पास जा रही हूँ। सो शी जस्ट टुक कंट्रोल वेयर इट वॉज नॉट नेसेसरी। सो यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। मुझे पता है मेरे डैड मुझे बहुत गुस्सा करते हैं, मम्मा बहुत गुस्से करती, क्यों तंग कर रही हूँ उसे, मम्मा फोन पे बने रहो। मुझे ऐसे में सिचुएशन पे आ जाती हूँ, उधर मैं सोफी का चिल्लाना झेल रही हूँ, इधर मैं मम्मी का चिल्लाना झेल रही हूँ, क्योंकि यू नो हाउ ग्रैंड पेरेंट्स आर। बट इट्स ओके, सोफी हैज टू लर्न। नाउ शी हैज लर्न 5 to 6 minutes शी हैज टू प्ले ऑफ हर ओन। उसके बाद मैंने सोफी के टैंट्रम्स पब्लिकली कैसे डील करने शुरू किए। आई स्टार्टेड सेइंग नो डिप्लोमैटिकली। इट मींस अगर सोफी मुझे कहेगी ये टॉय लेना है एंड शी स्टार्ट शोइंग टैंट्रम्स एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू बाय हर, आई वॉन्ट से नो, बिकॉज नो प्रोवोक्स अ बिहेवियर इन अ किड। सो व्हाट आई से इज, ओके लेट्स लुक फॉर अदर टॉयज फर्स्ट, और लेट्स मामा बाय फर्स्ट, टुडे इज मामास टर्न। बच्चा भूल जाता है। Parenting is not a shortcut. So if you slap your kid or if you feel like slapping your kid, it means maybe aapka pura din aisa gaya hai, you are now short of willpower. In the evenings, ask for help. Help from your husband, help from your family members. Please take care of the kid, but do not spank the kid. Over parenting, I have read multiple books. So guys, if you want more videos, please let me in comment section, आप किस चीज से लड़ रहे हो बच्चों के लिए, and I'll tell you a solution in a more better way. I hope you like this video, please share it and I'll see you in next video. Take care, bye bye.